अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनिया रसोई घर, और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी दे रही हूँ वो है चिकन जिंजर सूप की। बहुत ही डिफरेंट सूप बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नई से नई रेसिपीज मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास, यहाँ 1 कप मैंने चिकन लिया है, जिन्हें मैंने मोटे चंक्स में काट लिया है। इसके अलावा यहाँ पर नमक जाएगा 2 टेस्ट, काली मिर्च 1/2 टीस्पून जाएगी, इसे हम एंड पे एडजस्ट कर लेंगे, सोया सॉस 1/2 टीस्पून और विनेगर 1/2 टीस्पून। 1 कप गाजर है मेरे पास, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल, अदरक है 1 इंच का टुकड़ा था, इसे मैंने इतना बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। यखनी जाएगी 4 से 5 कप। यहाँ पर मैंने चिकन स्टॉक क्यूब इस्तेमाल किया है, 4 कप पानी में मैंने चिकन क्यूब्स मिलता है स्टॉक क्यूब, उसको मिक्स करके रख दिया है। चिकन के अंदर में ये सिरका, सोया सॉस, नमक और काली मिर्चें 1/2 टीस्पून लगाकर इसे मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, साथ ही चिकन और गाजर भी डालकर मैं इसे फ्राई करूंगी। इतना हमें फ्राई करना है कि चिकन के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, चिकन का जो है कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूंगी और इसे 10 से 12 मिनट में पकने के लिए रख दूंगी। 10 से 12 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम अदरक डाल देंगे और साथ ही नमक और काली मिर्चें भी एडजस्ट कर लेंगे। नमक और काली मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, इसलिए 1/4 टीस्पून ईच मैंने इसमें डाला है और इसे अब 1 से 2 मिनट में और कुक करूंगी। इस स्टेज पर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर को मैंने थोड़े से पानी के साथ थोड़ा पेस्ट बना लिया है और इसको मैं इस सूप के अंदर डालूंगी, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके और 7 चम्मच चलाते रहेंगे और इसे कुक करेंगे। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर हम 1 से 2 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं, बाज़ का कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डल जाता है, तो हम इसे ज़रूर 1-2 मिनट करेंगे ताकि ये थिक हो जाए। ये सूप हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, इसे मैं सर्व करूँगी। जिंजर सूप रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।